दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय नवरत्न ज्वेलर्स छोटा चौक नाहन। बल उपमंडल के भड़ियाल में आयोजित युवा पंचायत प्रतिनिधि सम्मान समारोह में पूर्व प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष और नादौन के विधायक सुखविंदर सिंह सुखू ने वर्तमान प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने सरकार को उसे हर मोर्चे पर विफल करार दिया। सुखू का यहां पहुंचने पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस आयोजन में वर्तमान जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रकाश चौधरी सहित बहुत से वरिष्ठ कांग्रेसियों का अनुपस्थित रहना बल कांग्रेस में खेमेबाजी का स्पष्ट संकेत दे गया। कार्यक्रम में सुखविंदर सिंह सुखू को अगले मुख्यमंत्री के रूप में भी प्रेजेंट करने की भरपूर कोशिश रही। इस देश को एक सूत्र में बांध कर रख सकती है तो कांग्रेस की विचारधारा है। इसलिए कई लोग भावना वंश अपनी बात कहेंगे, पद की लालसा उसको होती है जिसने जीवन में त्याग ना किया हो। हम लोग तो हमेशा त्याग के लिए तैयार रहते हैं और इस समय हमारा सबसे बड़ा त्याग यह है कि पूरी कांग्रेस एकजुट से आगे आए और जो भारतीय जनता पार्टी की ये जो देश और जन प्रतिनिधि है इसका डट कर मुकाबला करें। ये पहला सम्मेलन है पूरे हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार के सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। मेरा ये मानना है युवा कांग्रेस की शक्ति बनने वाला है। ये जो भारतीय जनता पार्टी की आक्रमक विचारधारा है जो समाज को बांटने का काम करती है, कोई उनकी ओर आवाज उठाकर बात करने की कोशिश करता है तो उस पर देशद्रोह और राजद्रोह का मुकदमा दायर किया जाता है। मैं आपको पिछले दिनों 26 तारीख को राज्यपाल महोदय का विधानसभा परिसर में अभिभाषण होना था। कांग्रेस पार्टी के विधायक अपनी मांग को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। माननीय राज्यपाल ने पूरा भाषण नहीं पढ़ा, हमें उस बात में कोई एतराज नहीं है, परहेज नहीं है कि उन्होंने पूरा भाषण क्यों नहीं पढ़ा, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार का यह दायित्व नहीं बनता था कि जो लोकतंत्र विपक्ष के सहारे और सत्ता पक्ष के सहारे चलता है उस लोकतंत्र में कांग्रेस के विधायक दल को विश्वास नहीं दिया जाता, लेकिन सरकार के द्वारा यह नहीं किया गया। विधानसभा में पहले भी छोटे भाषण राज्यपाल द्वारा पड़ेंगे, लेकिन अगर सरकार ने हमें विश्वास में लिया गया था और कहा जाता कि राज्यपाल महोदय की कमी ठीक नहीं है, वो पहली चार लाइनें पढ़ेंगे और अंतिम एक लाइन पढ़ेंगे तो इस प्रकार की घटना ना घटित होती। यही नहीं, मैं हम सब लोग तो नारे लगा रहे थे और गवर्नर साहब के प्रति सब लोग सम्मान करते हैं, गवर्नर साहब संविधान के प्रतीक है, गवर्नर साहब तो संविधान के प्रतीक है और कांग्रेस पार्टी संविधान की सभी सर्वोच्च संस्थाएं है। साथ ही साथ तमाम युवाओं से निवेदन करना चाहूंगा, जो प्रदेश में जो एक भूंगी बैरी सरकार बैठी है और जो केंद्र में जो एक तानाशाही सरकार बैठी है, इसको हम सब युवाओं को, यहां बैठे महिलाओं को, इनकी जो जन विरोधी नीतियां हैं, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो,
चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, तमाम मुद्दों को युवा कांग्रेस के युवा साथियों को एक धरने प्रदर्शन के माध्यम से जनमानस के बीच इनकी जो गलत नीतियां हैं उसको उजागर करने का काम करना पड़ेगा हमें। और साथ ही साथ युवाओं को विशेष तौर पर बताना चाहता हूं, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता से पहले लोगों के बीच जा रही थी, उनका एकमात्र जो सबसे मुख्य एजेंडा था प्रत्येक घर से युवा को रोजगार देंगे, और जिसको देखते हुए हिमाचल प्रदेश के युवाओं ने बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी को वोट किया, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हिमाचल प्रदेश के युवाओं के साथ एक बड़ा मजाक किया। और मैं आज बताना चाहता हूं, रोजगार देना तो दूर की बात, आज हिमाचल प्रदेश में 15 लाख से अधिक युवा बेरोजगार है। मैं ये सूचित करना चाहता हूं, 5000 पीडब्ल्यूडी में वो मल्टी टास्क वर्कर लगाने जा रहे हैं, कोई इंटरव्यू नहीं होगा। 5000 पीडब्ल्यूडी में सड़कों के रख रखाव के लिए कोई इंटरव्यू नहीं होगा, कोई नीति नहीं बनाई है, सिर्फ अपने रिश्तेदार और कार्यकर्ताओं को पिछले दरवाजे से भरने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस पार्टी चाहती है हर गरीब माँ बाप का वो बच्चा जो संघर्ष करकर बड़ा है, पढ़ाई की है, डिग्री ली है, उसके साथ अन्याय क्यों हो, उसको इस रोजगार के अवसर क्यों नहीं मिलने चाहिए। इसमें मेरिट के आधार पर अगर ये नियुक्तियां होती है तो इसमें कांग्रेस पार्टी को कोई परहेज नहीं, लेकिन जिस प्रकार का बजट उन्होंने रखा है उसमें लगता है कि सरकार पर बहुत दबाव है। कई विधायक मंत्रियों के रिश्तेदार तक नहीं है, कई कार्यकर्ताओं के रिश्तेदार तक नहीं है, कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। यही यही एक बात और मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, मंडी जिला को पहली बार आजादी के पहली बार मुख्यमंत्री मिले। मैं ये पूछना चाहता हूं कि मंडी जिला के 10 विधानसभा की सीटें आपने भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल दी, आज मंडी जिला के आम जनता को क्या मिला? जो कार्य हो रहे हैं और 9 विधानसभा क्षेत्र को छोड़कर 1 विधानसभा में थोड़ा बहुत कार्य हो रहा है, वो सिराज विधानसभा क्षेत्र है जहां कार्य हो रहा है, और कोई क्षेत्र मेरा आपको तो सपने बेचे जा रहे हैं, सपने दिखाए जा रहे हैं। कई बार कांग्रेस के नेताओं ने संघर्ष किया मंडी को अगर मेडिकल कॉलेज दिया तो सिर्फ एक व्यक्ति की देन है, जो हमारे पूर्व कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हुआ करते थे ठाकुर गौर सिंह जी, जिन्होंने मंडी में डेढ़ चौक में मेडिकल कॉलेज दिया। किसी व्यक्ति ने नहीं दी, सोनलाल ठाकुर जी, गौर सिंह ठाकुर जी आकर लड़ाई लड़ा करते थे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो जयराम ठाकुर जी ने नहीं दी, वो कौन सिंह जी का लंबा संघर्ष सोनलाल जी और मंडी के कुछ लोग एमएलए मिलकर लड़कर ये मंडी में IIT लाए, जिससे पूरे हिंदुस्तान में आपका नाम है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए गागल से सुरेश शर्मा के साथ, रिवालसर से लक्ष्मी दत्त शर्मा की रिपोर्ट।